हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू पोकेमोन ग्लेश्ड यार। और यार थैंक यू कहना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिसने भी यार वोट दिया और कमेंट किया था यार इसका एपिसोड नंबर 0 पे। और ये अपना एपिसोड 1 है जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है यार। और यार सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं चिम चार को, जैसा मुझे लगा ही था। और यार मुझे इतना नहीं लगा इतना ज़्यादा वोट मिलेगा चिम चार को, लेकिन तुम लोगों ने यार रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जैसे लग रहा है मुझे तो। 78% से भी ऊपर वोट मिले भाई चिम चार को, सोचो यार। मुझे तो लगता है रियोलू या चिमचार में से कोई एक होगा, लेकिन रियोलू यार बहुत नीचे रह गया और चिमचार भाई 80% लगभग पहुंच गया यार। तो अब चिमचार तुमने कह दिया तो हम लोग चुन लेते हैं चिमचार को अपने साथ। सो चिमचार इट सीम्स एक्साइटेड, तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा है फिलहाल ही। नहीं निक नेम नहीं देना यार, तुम्हें से किसी ने बताया नहीं था निक नेम, तो कोई फायदा नहीं। नहीं चलो, आई वुड यूजली गिव यू ए पॉकेट डेस्क बट आई जस्ट गेव माई लास्ट वन आउट ए फ्यू डेज एगो एंड हैव नॉट रिसीव्ड एनी मोर। तो भैया इनके पास पॉकेट एक्स नहीं है कह रहे हैं, इन्होंने भैया दे दिया किसी और बंदे को और उनके पास एक ही लास्ट बचा हुआ था। आई हैव ए फ्रेंड कॉल्ड द इन्वेंटर, तो इनका कोई फ्रेंड है जिसका नाम इन्वेंटर है जो कि चोको टाउन में रहता है। तो कह रहे हैं उसके पास हो सकता है कोई पॉकेट एक्स का स्पेयर, मतलब एक या दो पॉकेट एक्स उसके पास हो सकता है कि हो यार, तो हम लोग चल सकते हैं यार वहाँ पे। चलो ठीक है, सो यार चलते हैं भागे हम लोग। और यार तुम में से एक बंदे ने कमेंट किया था कि यार इसके जो है ना स्टैचू के लेफ्ट साइड में जाओ एकदम किनारे, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा सेलेमेंस का, मतलब छोटा वाला इवोल्यूशन, क्या नाम उसका यार, बेगॉन शायद नाम है, तो वही मिलेगा तुम्हें। सो फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी यंग मैन, ये भैया ये बंदा कौन है? तो ये बता रहे भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहले चहल पहल हुआ करती थी, अब बहुत यहाँ पर शांति हो गई है जब ये जवान थे तब। फॉरेस्ट पास लाइज जस्ट बियॉन्ड हेयर, इट्स गॉट ए वाइल्ड पोकेमॉन सो बी केयरफुल। तो भाई आगे कह रहे हैं फॉरेस्ट पास है तो हमें केयरफुल लेके आगे जाना चाहिए। देखो आ गया है फॉरेस्ट पास, तो हम लोग चलते हैं आगे यार। गो ऑन शू लेट अस पास, पी का पी का पी, हे पिकाचू क्विट हैरेसिंग माई पेरेंट्स एंड लेट देम थ्रो, हट जाओ वहाँ से मेरे पेरेंट को परेशान मत करो। ये क्या यार मेरे ऊपर ही गुस्सा हो गया पिकाचू, पी का पी का पी का अटैक कर रहा है भाई, वर्सेस हो भाई, रेड स्कार्फ पहना हुआ इसने तो, या मफलर कह सकते तुम लोग। तो ऐसा स्कार्फ मैंने एक जगह और देखा यार, जब ऐश ने दिया था अपने किसको दिया था यार, बटरफ्ली के साथ दिया था, पता नहीं वो रेड था कि यार येलो की येलो साइड था। तो यार इसको हरा देंगे, इतनी कोई मुश्किल नहीं ना, अगर अपना वाटर टाइप होता तो थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन तुम लोगों ने यार चिमचार को चूज़ किया है तो यार अच्छा ही होगा। इतने लोग कह रहे हैं तो यार अच्छे पोकेमॉन है, ऐसी बात नहीं है। वैसे इन्फरनेप का कौन नहीं है फैन यार, सब इन्फरनेप के फैन है। सो मी दैट वॉज फैंटास्टिक, यू आर एन अमेजिंग बैटलर, थैंक्स मॉम, आई हैड ए फीलिंग प्रोफेसर विलो वुड बी गिविंग यू ए पोकेमॉन, सो मी एंड योर फादर गॉट यू सम प्रेजेंट फॉर योर जर्नी। वाह यार मॉम डैड कह रहे हैं कि तुम्हारे मतलब प्रोफेसर विलो ने तुम्हें पोकेमॉन दिया गिफ्ट के तौर पर, तो हम लोग भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं इस बार। आज हमारा मेरा बर्थडे भी, तुमको पता ही था यार, बताया था मैंने तुमको कि 12 साल होने के बाद ही मिलता है पोकेमॉन, तो टुडे इज माय बर्थडे, हेयर यू गो दिस इज माय गिफ्ट। ये कौन क्या है यार, रनिंग शूज, दौड़ने वाले शूज मिल गए उन लोगों को यार, जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं बी बटन से, तो अच्छी बात है यार। तो मेरे डैड भी मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो आई एम नॉट द गुड एट गेटिंग गिफ्ट बट आई थ्रो यू कुड यूज़ वन ऑफ दिस, इट्स वेरी यूजफुल, जल्दी दो यार जल्दी दो ई एक्सपी शेयर। वाओ यार इसके तो अपने पोकेमॉन को दे सकते हैं, जब किसी नए पोकेमॉन को हम लोग पकड़ेंगे तो दे देंगे उसको, तुम लोग बता देना यार। और टाइम करें सेट करो, तो अपना टाइम तो तुमको पता है 5:30 बजे है, उसी टाइम में वीडियो डालता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग उस टाइम कल तक खाली रहते हैं, तो 5:30 एकदम करेक्ट। नहीं यार ये तो अब नहीं, अब सही है 5:30, ये है 5:30, हाँ ये एकदम करेक्ट 5:30 शाम के। ऑलराइट थैंक्स सोमी, वी बेटर हेड ऑन होम नाउ बिफोर दैट क्रेजी पोकेमॉन कम्स बैक। लिसन नाउ दैट्स यू हैव योर ओन पोकेमॉन, व्हाई नॉट चैलेंज द जिम लीडर्स ऑफ टूनॉर्ड। हम करेंगे यार टूनॉर्ड, जिम भी जीतेंगे हम लोग, जस्ट थ्रो यू बट हैविंग ए गोल वाइल ट्रेवलिंग मेक्स द जर्नी दैट मच मोर एक्साइटिंग। हाँ सही कह रहे हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली देयर्स ए जिम इन ओशियन व्यू सिटी, तो ओशियन व्यू सिटी में कोई एक जिम है कह रहे हैं, सेफ ट्रेवल्स, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा लग रहा है। चलो यार अपना रास्ता पता चल गया हमें कहाँ जाना है, पहले हमें जाना है चोकर टाउन में, वहाँ से लेना है पॉकेट एक्स, फिर हम लोग जाएंगे ओशियन व्यू सिटी में। और जरा चलते हैं जरा, ये क्या है फॉरेस्ट पास,
ग्लेनवुड टाउन। और अपना चिमचार कितने लेवल का है? ये है लेवल 5 का यार। तो यार तुमको चलो एक जादू दिखाता हूँ यार मैं, तो अब देखते जाओ जरा गौर से देखना। 1, 2, 3 और चिमचार एंड लेवल 10। तो कैसा लगा ये जादू तुम लोगों को यार? वैसे कोई जादू नहीं था यार, मैंने पकवान को थोड़ा ट्रेन कर दिया इसी बीच। सो अब चलते हम लोग आगे यार, ट्रेन कर दिया मैंने अपने पकवान को ताकि तुम लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सो फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे, अब यहाँ से निकलना हमें। कमिंग थ्रो, ये कौन बंदा है यार? आवाज़ आ रही है, ये कौन सा है? हे यू देयर, आई हियर दैट देयर से पिकाचू अराउंड हियर, हैव यू सीन इट? तो पूछ रहा है कि तुमने यहाँ पे कोई पिकाचू देखा है आसपास? हाँ हमने देखा यार, अभी तो उसको भगाया हम लोगों ने। व्हाट ग्रम्बल इन दैट केस, हु आर यू, कौन हो तुम? मेरा नाम तो सोमी है भाई। वेल कह रहा है मेरा नाम पर्सी है और ये मेरा पार्टनर है सिंडा क्वेल। ओहो अच्छा पार्टनर है तुम्हारा। सिंस वी मिस्ड दैट पिकाचू, हाउ अबाउट वी बैटल इंस्टेड, व्हाट डू यू सेड सिंडा क्वेल? तो ये कह रहा है इसने पिकाचू को मिस कर दिया लेकिन ये एक बैटल करना चाहता है। तो ये पूछ रहा है सिंडा क्वेल से, क्या सिंडा क्वेल तुम करना चाहते हो? तो सिंडा क्वेल को देखो यार कितना ज़्यादा जोश में लग रहा है यहाँ पे। सिंडा क्वेल, वी आर बोथ फायर्ड अप, दोनों भाई एकदम से फायर्ड अप हैं, लेट्स बैटल। हो जाए भाई, अपने को भी कोई टेंशन नहीं है, वैसे इसका ही फायर टाइप है सिंडा क्वेल। वैसे अपने पोकॉन का भी हम लोगों ने समीर नहीं देखा यार, चलो अभी देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। चलो देखते हैं कौन कौन से मूव इसके पास हैं अभी तक और क्या क्या इसने सीखा है। वैसे लेवल 10 का भी मैंने इसको किया है, तो ये भाई इसने अभी सीख लिया है टॉन्ट और एम्बर सीख लिया है, दो नए मूव्स। सो हम लोगों ने हरा दिया है इस भैया इसको, क्या नाम था इसका, सिंडा क्वेल और ट्रेनर पर्सी। हॉली स्मोक्स, अच्छा बंदे। यूजर्स, यू आर टफ, यू विल डेफिनेटली बी ए वर्थी राइवल फॉर मी, सिंस दैट पिकाचू इज गोन आई विल हेड टू ओसिविन सिटी, सी अराउंड सोमी। तो भाई ये कह रहा है तुम बहुत टफ और मतलब कि एक अच्छे राइवल बन सकते हो मेरे लिए। भाई राइवल मत बना मुझे, तू दोस्त बना ले वरना हार का मुझ सामना करना पड़ेगा तुझे हमेशा। चलते हम लोग आगे फिलहाल। तो लेकिन यहाँ पोकेमोन जब हमें जानी, एक रेल्स भाई, इसको पकड़ लूँ क्या यार? इसको तो पकड़ने का मन है यार, देखिए स्क्रैच देते हैं, फेंट ना हो। अबे भाई अपने पास तो पोकेबॉल ही नहीं है यार, मैं क्यों आ गया यहाँ पे लड़ने यार, एक तो नंबर का भुलक्कड़ हूँ। और अपने पकड़ने का समरी पहले चेक करते हैं यार, यहाँ से तब जाएंगे हम लोग आगे। तो कहाँ यार पोकेमोन? समरी फायर टाइप है, एबिलिटी ब्लेज्ड, फायर मूव इन ए पिंच, सीरियस नेचर है भाई इसका, तो बहुत सीरियस पोकेमोन भाई अपने को मिल गया, अपने तो बहुत कॉमेडी लोग हैं। तो स्क्रैच है, लीर है, एम्बर फायर टाइप है, डार्क टाइप मूवी इसके पास है टॉन्ट। चलो अच्छा यार, वैसे ये फीमेल है यार, पता नहीं कि मुझे फीमेल मिल जाता है पोकेमोन, लेकिन कोई टेंशन उस बात नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं। ये है चोको टाउन, वेलकम टू चोको टाउन, वेलकम। भाई ये बंदा खाली बैठा था आपको बोलने के लिए कि वेलकम टू, आपका स्वागत है चोको टाउन में। ये कौन है? मेनी ट्रेनर्स वंडर वेयर पोकेमार्ट इज, आवर टाउन इज टू स्मॉल फॉर वन, सो वी जस्ट हैव द लोकल जनरल स्टोर इन द मिडल ऑफ टाउन। ओ इनका टाउन बहुत छोटा है चोको टाउन, इसलिए इन्होंने कहा है कि मतलब ये कह रही हैं यार कि यहाँ पे बहुत छोटा सा एक पोकेमोन मार्ट है। तो भाई यहाँ पे ये लड़की कोई कह रही है, ये कोई अंकल जी जो हमें TM दे सकते हैं यार, दे दें तो अच्छी बात है। योर पोकेमोन इट सीम्स नाइदर हैप्पी और नॉट सैड, इट सिट्स ऑन अ बैलेंस। तो अपने पोकेमोन बैलेंस से खाली यही बताने के लिए हम लोग यहाँ मतलब सुनने के लिए खड़े हैं क्या यहाँ पे भाई? कुछ है यहाँ पे? कुछ नहीं है फिलहाल, हम लोग चलते हैं आगे यहाँ से। बढ़ जाए, हट जाओ आंटी जी, पोकेमोन को पहले हील करना पड़ेगा यार, बहुत लड़ाई की हम लोगों ने। सो यार ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो टेंशन मत लेना यार तुम लोग। वैसे मैं तुमको एक बात बताऊँ यार कि ये वीडियो जो है ना, मैं यार वीक में एक ही बार लाने वाला था, लेकिन क्या बताऊँ तुम लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया यार, 50 से ज़्यादा तो लाइक कर दिए तुम लोगों ने यार मुझे एक ही दिन के अंदर, वो भी दिस रीजन एज वेल एज रैंक और आर ऑल पार्ट्स ऑफ ए जायंट आर्चिपेलागो टू द वेस्ट ऑफ जोटो, सो मेनी प्लेसेस टू ट्रैवल। जोटो के बाद अपना यही है भाई, रैंक और ही जाना है जोटो के बाद। सो अब चलते हैं आगे। और यार 50 से ज़्यादा तुम लोगों ने लाइक कर दिया यार, बहुत ज़्यादा मैं
खुश हो गया था यार उस चीज़ से, इसलिए मुझे लाना पड़ा यार 2 ही दिन के बाद, वरना मैं वीक में एक ही बार लाने वाला था, क्योंकि अभी कई गेम चल रहे हैं, जैसे कि ऐश ग्रे बहुत बड़ा है यार, अभी उसको खेलना है मुझे बहुत ज़्यादा, उसमें यार अभी चैप्टर्स कह सकते हो या एपिसोड्स कह सकते हो, अभी उसमें बहुत ज़्यादा है, और ले लेते हैं पोर्शन, अपने पैसे बहुत ज़्यादा हैं फ़िलहाल, तो 2 और ले लेते हैं, चलो काम बन जाएगा इतने से, 2,000 रुपये रखे रहते हैं, आगे कहीं काम पड़े अपने को, तो फ़िलहाल चलते हैं आगे हम लोग। ये क्या होना है, आई थिंक दिस स्टैचू ऑफ म्यू इज इनक्रेडिबल, डिड यू नो दैट म्यू इज बिलीव्ड टू हैव बीन द फर्स्ट पोकेमॉन, यार म्यू पहला पोकेमॉन है, सब पोकेमॉन के जेनेटिक्स म्यू से मैच करते हैं, और म्यू सारे पोकेमॉन के म्यू के जेनेटिक्स से ही बनाया गया है, ये म्यू पोकेमॉन यहाँ पे उसका एक स्टैचू बना हुआ है यार, ये टाउन बहुत अच्छा है यार, यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आई वॉज प्रोमिस्ड 500, ये क्या है पोके कॉइन शायद, इफ़ आई वॉच ग्रैंड पा टूडे बट आल दिस सोप ओपियर्स आर मेकिंग मी बोर्ड। तो भाई इसने शर्त लगाया था 500 पोके कॉइन का कि आज यही टीवी देखेगी, लेकिन इसके दादाजी चिपक गए, चलो कोई नहीं। आई लव स्टार्टिंग आउट ओवर द पाउंड, इट्स वेरी कामिंग, हाँ शांति से बैठे रहो अंकल जी। ये कौन है, चोको टाउन वुड जस्ट बी अनदर स्मॉल टाउन इफ इट फियर नॉट फॉर द इन्वेंटर हिज इन्वेंशन मेक आवर टोन टाउन प्राउड, तो इन्वेंटर यहीं पे रहता है इसका मतलब। हैव यू बीन इन द मिल्क शेक स्वाम्प, इट्स सो ग्रॉस एंड इकी, चलो यार चलते हैं आगे, इन्वेंटर के लैब यही है, तो चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ से टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग इन्वेंटर से। इन्वेंटर ने क्या कह रहा है भाई, इफ़ आई हैव टोल्ड यू वंस, आई हैव टोल्ड यू 1,000 times, डोंट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम वर्किंग, ये क्या भाई, ये तो भड़क गया अपने ऊपर कि क्यों भाई परेशान कर रहे हो। ओ आई एम सॉरी, आई थ्रो यू वेयर ऑन माई पेस्टरिंग एड्स, अच्छा मुझे अपना वो समझ रहा है यार, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, जो सेवक होते हैं साइंटिस्ट के साथ रहते हैं जो, अरे यार एड्स तुम लोग जानते हो, जो अगल बगल खड़े हुए हैं, तो तुम स्वामी हो ना, प्रोफेसर विलो ने कह रहा है कि एक ईमेल भेजा था मुझे छोटा सा, तो ये रहा तुम्हारा पॉकेट एक्स, तो अपना पॉकेट एक्स मिल गया उन लोगों को, और साथ में क्या मिला हमें, पोके बॉल्स भी मिल गए उन लोगों को यार, सो यार यहाँ पर तो अपना काम हो गया। ये क्या यार, ह्यूज फेवर, कुछ फेवर मांग रहा है अपने से, देयर आर सम वंडरफुल रूइंस इन द मिल्क शेक स्वाम्प दैट आई वुड लाइक टू ऑब्जर्व बट आई वुड फील मच सेफर विथ एन एस्कॉर्ट, वुड यू माइंड कमिंग विथ मी, द एंट्रेंस ऑफ द स्वाम्प इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन, आई विल बी सींग यू सून आई होप। तो भाई ये बंदा कह रहा है कि चलो भाई अपने साथ मेरे मदद कर दो यहाँ पे, मतलब कि मिल्क शेक स्वाम्प जो भी है, तो भाई वो कह रहा है यहाँ पे हमारी मदद कर दो मिल्क शेक स्वाम्प, मतलब मिल्क शेक यार स्वाम्प तुम लोग जानते हो दलदल को कहते हैं यार। और भाई इसने बहुत अच्छा कैसल बनाया हुआ है, कह रही तोड़ना मत, नहीं तोड़ेंगे हम लोग, इधर कुछ तो है नहीं, नहीं कुछ नहीं है, तो यार सॉन्ग इसका बहुत अच्छा है, चलते हैं आगे अब हम लोग। ये रहे प्रोफेसर, मतलब इन्वेंटर, तो यार चलते हैं देखते हैं क्या होता है आगे हमारे साथ। सो मी यू वुड नॉट बिलीव दिस बट दिस गाइस वुड नॉट, ये बंदे जाने नहीं दे रहे हमें, तो ये थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। टीम फ्यूजन, अच्छा बच्चा तो टीम फ्यूजन अब समझा, तो यहाँ पे जैसे हम लोग के पास टीम रॉकेट होती है, यहाँ पे टीम फ्यूजन शायद है। ये कौन बंदा गया भाई, आई हैव ऑलरेडी रन ऑफ द रेस्ट ऑफ योर गैंग इन स्वाम्प ऑलरेडी, सो यू हैव नो रीजन टू स्टे हेयर, ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी नीड टू प्रोटेस्ट माई डार्क राय इज इचिंग फॉर बैटल। तो भाई ये बंदा बहुत गुस्से में बोल रहा है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से, हट जाओ, और अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत हो तो जाओ डार्क राय को थोड़ा सा जाके उसको सही करो, जाके मतलब उसको थोड़ा उसकी मदद करो, वो बैटल करके थोड़ा थक गया है भाई। इस बंदे के पास डार्क राय भी है, सोचो यार। फू फू फू, आवर ऑब्जेक्टिव्स हियर आर कंप्लीट, वी विल बी टेकिंग आवर लीव नाउ, दोनों भाग गए हैं। डिड दोज ग्रंट्स हार्म यू, नो थैंक्स गुडनेस। ये कौन बंदा है, आई एम सॉरी, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हाँ भाई बता तुझे, तो इसका नाम है ब्लेक और ये मेम्बर है टू नॉट इलाइट 4 का भाई, टू नॉट इलाइट 4 मतलब हमारे इसका सामना हो सकता है आगे। आई हैव टेकन इट अपॉन माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट ट्रेवलर्स सच एज यू एट, ब्लेक कह रहा है जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वाई आर यू बोथ गोइंग इन टू द मिल्क शेक स्वाम्प, इट्स नॉट एग्जैक्टली द मोस्ट फन प्लेस टू बी। अब भाई हम तो नहीं जाना चाहते, ये भाई ये प्रोफेसर हैं मतलब इन्वेंटर, ये जाना चाहते हैं ये जाने। टीम फ्यूजन दोस्त मैन प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एंटरिंग द स्वाम्प,
वी आर पोकिंग अराउंड दोज सेम रुइंस अलाउ मी टू स्कॉर्ट यू देयर माइसेल्फ टू मेक श्योर आई हैव फाइटेंड देम ऑल ऑफ यू आई एम श्योर स्वामी वुड नॉट वॉन्ट टू बी हैंगिंग अराउंड विथ टू एडल्ट्स एनी वे यू हैव जस्ट बिगन एज ए ट्रेनर कॉन्टिन्यू टू कीप स्ट्रीविंग फॉर योर ड्रीम्स एंड रेस्ट एश्योर दे विल कम ट्रू वन डे वी मे इवन बैटल हाँ यार अपना बैटल एक दिन जरूर होगा कम इन्वेंटर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन अवेट्स तो इन्वेंटर चला गया भाई वहाँ से तो हम लोग भी चलते हैं यार ये है मिल्क शेक स्वाम मतलब मिल्क शेक स्वाम तुम लोग समझ सकते हो यार दलदल अभी इसमें जाएंगे तो दलदल देखो भाई दलदल में फंस गए हम लोग अंदर ये देखो तुम लोग देख रहे हो ये टहनियाँ हो कुछ पत्ती तुम लोग ध्यान से देख रहे हो इसको जो यार पत्ती टहने के तरीके पत्ती इसको अगर तुम लोग टच करोगे ना तुम्हारे पोकेमॉन पॉइजन हो जाएगा सच बता रहा हूँ तुमको मैं चाहो तो दिखा दूँ तुमको ये देखो चिमचार वाज पॉइजन बाई आईवी ये देखो भाई पॉइजनेट हो गया है तुम लोग को दिखाने के लिए मैंने इतना किया आप जल्दी चलते हैं यार पहले हम लोग देखो भाई पूरा हिल रहा है चलो कोई नहीं जल्दी नर्स जो है आप जो भी है नर्स जो है तो नहीं लगती लेकिन कोई भी हो डॉक्टर प्लीज़ मेरे पकवान को सही कर दो जल्दी से जल्दी हाँ मैं कर दूँगी चलो कर दिया उसने अब चलते हैं हम लोग कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी हो गया चलो यार अब चलते हैं तो उधर से नहीं जाना तुम लोगों को मैंने बता दिया अब इधर से जाना है शॉर्टकट शॉर्टकट तो हमेशा साथ देता है अपना भाई व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग द मिल्क शेक स्वाम मेक श्योर नॉट टू स्टेप इन पॉइजन आईवी तो भाई पॉइजन वाली लता जो है यानी जहरीले लताएँ या टहनियाँ जो भी तुम कह सकते हो यार इट कुड सीरियसली हार्म योर जर्नी तो हम लोग बच गए हैं यार वैसे भी पहले से ही मैंने तुमको बता दिया तुम लोग भी यार जहाँ से रास्ते से मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते से चलना तो तुम लोग बचे रहोगे लेकिन तुम्हें इससे भी का भी एक बदला देना पड़ेगा तुम्हें बैटल करना पड़ेगा इन लोगों से वेल इसमें तो मज़ा आएगा इसके पास है बक टाइप अपने पास है फायर टाइप तुझे से जला के राख कर देंगे भाई हम कैटरपी आ यार इस पर भी तुम लोग अच्छे से सपोर्ट करना यार और देखते हैं हो सकता है हमें आज कोई नया पकवान पकड़ने को मिले तो चलते हैं आगे यार अपना फीमेल है लेकिन कोई टिक नहीं पाएगा यार कोई टेंशन नहीं अपने को फीमेल है तो क्या हुआ भाई अकेला सब पे भारी है भाई चिमचार लेवल 11 पे तो पहुंच ही गया लेवल 14 पे इवॉल्व भी हो जाएगा ये जैसा कि उस लड़की ने हमें बताया था जो कि भाई पोकेमॉन की जानकार लग रही थी सो अब चलते हैं आगे तो लेवल 14 पे ये बन जाएगा इन्फर्नो भाई इन लताओं से बच के रहिएगा वरना आपको खतरा हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अब इन दोनों से लड़ना पड़ेगा हमें हाँ भाई बक्स 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 भाई इन लोग यहाँ पे बक्स क्यों पकड़ते हैं भाई इन लोगों को वाटर टाइप पकवान पकड़ना चाहिए फिर दलदल वाले जैसे कि पोकेमॉन है कैटर पे भी इसी में लग रहा है टहलते रहते होंगे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं इसको देते हैं हम लोग यार एम्बर अपने एम्बर से तो एक ही बार में फेंट होगा नेक्स्ट कौन है आ जाओ भाई आ जा मेरे राजा जल्दी आ कौन है अब भाई बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे पोकेफैन एमटी की अगर बात में बोलूँ तो मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे यार तो फिर चलते हैं यार लेवल 12 बहुत अच्छा है चलो यार अपना कम से कम चिमचार ट्रेन तो भाई ये भी लड़ना चाहता है लेट्स बैटल भाई कितना बैटल करोगे तुम लोग यार बैटल पे बैटल बैटल पे बैटल और भाई ये देखो आया भाई थोड़ा सा क्रोवागंक भाई इसको मैंने देखा था शायद ब्रॉक के साथ और इसको स्क्रैच से ही हरा सकते हैं हम लोग शायद इस पर शायद एम्बर काम ना करे भाई एंटोरिस यूज कर रहा है अरे यार अपना यार एक्यूरेसी कहीं फेल ना कर दे भाई मड स्लैब ओ नो अटैक इफेक्टिव है भाई इसका तो कोई नहीं अपने पास भी पोर्शन यार लेके चलें अपने लोग पोर्शन भी तो यार जल्दी से इधर पार करते हैं इसको भाई ये गया फेंट मस्त पोकेमॉन था यार तुम लोग मैं तो बताना तो इसको पकड़ लेंगे हम लोग फिलहाल तो मैं चलता हूँ आगे दोबारा यहाँ आने को मिलेगा तो जरूर पकड़ेंगे एक बार फिलहाल हमें जाना है पहले जहाँ जा रहे हैं आगे अब कौन आ गया फिर वही है चाहूँ तो पकड़ सकता हूँ अपने पास पिए पोकेबॉल भी इस टाइम पे लेकिन मुझे भी नहीं पकड़ना इसको लेकिन यार रेल्स मिल जाती तो मज़ा आता यार कोई नहीं आगे मिलेगी रेल्स क्या हुआ उसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई आ जाओ भाई मड में लड़ना है तुमको ये कीचड़ में आ जाओ भाई कीचड़ में भाई खड़े हो तुम भी हम भी ये है भाई सबसे अजीब गरीब सब पोकेमॉन इसको रूपी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो कोई नहीं इसको रूपी जो भी नाम इसका यार और हम लोग चलते हैं आगे लेवल 13 मैक्सवेल अच्छा नाम इसका यार
ये ना अपने राइवल को हम लोग दे सकते हैं मैक्सवेल, कभी चाहें तो राइवल को नाम देना हो तो। वेल इसको हराते हैं भाई, यंगर एलेक्स, एलेक्स पेज। ओहो पिच्चू, अपना प्यारा पिच्चू यार। भाई पिच्चू यहाँ कैसे आ गया? इसको पकड़ना चाहता था मैं यार, लेकिन अभी मिलना मुश्किल है यहाँ पे, तो फिर भी कोई नहीं। यंगर एलेक्स, क्लिफा भाई, क्लिफा है तो यार, अरे क्यूटी पोकेमोन क्लिफा। इनको और ताली बजा रही है तो भाई खुश हो गई लग रहा है। पानी तो बरस ही रहा है, पानी को कोई कम नहीं कर सकता यहाँ पे। बैटल को ज़्यादा ही हो गया यार, पहले उसने भाई अपना दिमाग ख़राब किया इतना बात कर करके। टोके पीस को देते हम लोग यार एम्बर सब इसका। अरे यार स्क्रैच हो गया, ये कैसे अपने आप ही हो गया यार। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अबे यार ये क्या अपने आप ही मूव यूज कर रहा है भाई ये तो, चिमचार ये क्या कर रहा है? रुक जाओ एक मिनट रुको, पहले तुम पानी बरस रहा है। हाँ बॉस ये पूछ रहा है मूव भाई, बिना पूछे यूज कर रहा है स्क्रैच। यार ये क्या बंदा, ये क्या बात है भाई? लग रहा है इसमें कुछ गेम में कोई प्रॉब्लम है। कोई नहीं यार, आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने साथ। और ये रहे प्रोफेसर, अरे यार प्रोफेसर बोलो सॉरी, इन्वेंटर। और दूसरा ब्लैक, आह सोमी यू केम एट जस्ट द राइट टाइम, तो सही टाइम हम लोग पहुंच गए हैं। आई जस्ट सस्पेक्टेड एंडर ग्रंट स्नक बैक वाइल और बैक वेयर टर्न लुक अप देयर। ये क्या यार, ब्लैक कह रहा है ही सीम्स वेरी सस्पिशियस, ही मस्ट बी ए को पता नहीं क्या था। डू यू वॉन्ट टू सी ए मेम्बर ऑफ द इलाइट फोर इन एक्शन? हाँ यार देखना चाहते हैं हम लोग। सोमी कम विथ मी देन इन्वेंटर, इट्स बेस्ट यू से स्टे हेयर वेयर इट्स सेफ। तो हम लोग चलते हैं यार, इन्वेंटर को वहीं रोक दिया है। ब्लैक कह रहा है आई थ्रो आई रैन यू स्कम ऑफ विथ योर ट्रेल बिटवीन योर लेग्स। ये इन लोग कांपने लगते हैं यार ब्लैक के आने से, ये कैसे यार? आई स्नक बैक हेयर टू गेट द इंफॉर्मेशन आई वॉज एम्प्लॉयड टू फाइंड, दे विल वेलकम टू बैक वेलकम मी बैक एट हेड क्वार्टर्स लाइक ए हीरो। आई हैव नो टाइम टू प्ले गेम्स विद द पोकेमॉन लीग नाउ सो लॉन्ग इडियट्स। लीडियट बोल के भाग गया यार। दिस टैबलेट भाई लग रही है अननोन की भाषा में कुछ लिखा हुआ है, इतना मुझे थोड़ा सा पता है कि अननोन की भाषा में लिखा होगा यार यहाँ पे, क्योंकि वैसा ही लैंग्वेज यहाँ चलती है पोकेमॉन की। आर यू टू ऑल राइट यू स्केयर्ड ऑफ द ग्रंट गुड एंड प्रॉपर इट सीम्स। वाव अमेजिंग, इन्वेंटर को ज़्यादा ही खुश हो गया है भाई। आई एम डन हेयर फॉर नाउ, इट्स ग्रीटिंग नेस्टी, थैंक यू ब्लैक एंड सोमी फॉर असिस्टिंग मी, प्लीज टेक दिस। ये क्या दे रहा है भाई मुझे, ये भी गिफ्ट पोके कॉम, ये क्या चीज़ है? तो द पोके कॉम इज अ डिवाइस ऑफ माई ओन इन्वेंशन, तो इसी ने बनाया पोके कॉम को। इट ट्रांसलेट पोकेमॉन्स स्पीच इनटू ह्यूमन स्पीच, सॉरी द वॉइस वर्सा। वाओ यार हम लोग पोकेमॉन की भाषा को समझ सकते हैं अपने भाषा में। होपफुली इट विल हेल्प यू हेल्प ऑन योर जर्नी। हाँ यार नोट बता रहा है, टेक्स्ट ट्रांसलेटेड विद द पोकेकॉम विल बी डिस्प्लेस्ड विद दिस कलर टेक्स्ट। तो यार जो टेक्स्ट नीचे लिख के अगर जो पोकेमॉन बोलेगा तो वो भाई इसी कलर में होगा, यानी ग्रीन कलर में। आई विल बी गोइंग टू माई होम नाउ, आई विल बी मच हैप्पियर देयर वेयर आई कैन वर्क इन पीस, सी यू अराउंड सोमी। दोनों चले गए यहाँ से। दीज रूइंस आर अमेजिंग, वाई आर दे हेयर। ये यार तो ये खंडहर बहुत अमेजिंग है यार, ये टुकड़े सब यहाँ के यहाँ पे, लेकिन क्यों हैं ये यहाँ पे? ये क्या भाई भूकंप, ये क्या हुआ भाई, हम लोग कहाँ गए? व्हाट हैपेंड, डिड आई स्लिप थ्रू द यूनिवर्स अगेन? यार दूसरी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग यार यहाँ पे आ गए। इसके सबसे पहले हुआ था, तुम्हारा याद होगा यार, एक बंदे ने हमें बचाया था उस समय आके, फिर वही बंदा आ गया यार। ओ आई थ्रो आई हियर्ड ए कमोशन, डू यू रिमेंबर मी? हाँ भाई तुझे याद, तू ही तो है वो। माई नेम इज ल्यूक, आई वॉज द वन हु ब्राउट यू बैक टू योर रूम लास्ट टाइम। यही वो बंदा यार जो लास्ट टाइम अपने रूम में ले गया था अपने को यार, सबसे पहले तुमको याद होगा बर्थडे के दिन अपने। आई जे प्रेडिक्टेड यू मैनेज टू स्लिप थ्रो अगेन, तो फिर से हम लोग स्लिप होकर आ गए ना जाने कैसे। आई एम काइंड टू इन अ रश सो आई विल हैव टू होल्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग अगेन, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी? आई एम लुकिंग फॉर ए मूड कीप दैट्स वेंडर्ड ऑफ, इट्स समवेयर अराउंड हेयर बट आई कैन नॉट फाइंड इट एनी वेयर। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड लुक अराउंड फॉर मी, इफ यू फाइंड इट आई विल एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग एज बेस्ट आई कैन।
भाई ये बंदा कह रहा है कि यहाँ पे आसपास कोई मुडकिप है पोकेमोन है, इसको हमें पकड़ के लाना है या उसको फेंट करना है, उसको कुछ भी करना है उसके साथ, तो उसके बाद हमें बचाए बचाए मतलब बचाएगा कह रहा हूँ मैं। ये कह रहा है उसके बाद हमारे हमें भेज देगा अपने सही दुनिया में वापस ही। तो पोकेमोन को इसने हमारे हील कर दिया और मैं यहाँ पे एक मिनट के गेम को सेव करना चाहता हूँ यार, वो इसलिए क्योंकि इतना के गेम खेल के मैं यार इसको ऐसा ना हो कि कहीं यार ख़त्म हो जाइए, तो यहीं सेव करते हम लोग। अभी एंड नहीं कर रहा हूँ यार, एंड करेंगे आगे, पहले मुडकिप को पकड़ेंगे हम लोग। अब मुडकिप है तो भाई पकड़ना तो है ही। ये बंदा यार कौन है भाई, टेलीपोर्ट यूज करता है भाई, पता नहीं कैसे टेलीपोर्ट करके इधर से उधर आ जाता है भाई, ये बहुत अजीबो गरीब सा बंदा है भाई ये। इसका नाम उसने बताया ल्यूक है ना, ल्यूक बताया इसने नाम अपना, तो इसी कीचड़ में छुपा हुआ कहीं, इस मड में, इसी दलदल कीचड़ जो भी कहो तुम लोग। और ये क्या यार, मैक्स ईथर, चलो यार कुछ तो मिल रहा है। अब चलते हैं आगे यार, यहीं कहीं होगा मुटकी, बच के कहाँ जाओगे बेटा, ये रहा मुटकी, द मुटकी बटाक मुड के, तुम उससे छुप नहीं सकता, तुम उससे बच नहीं सकता, लेकिन इसके पास एडवांटेज है क्योंकि ये भाई एक तो मेरा, दूसरा यार ये एक वाटर टाइप है, इसका यार अटैक अपने पे तगड़ा होगा। बट कोई नहीं, हार नहीं मानना है। वाटर गन, नो नो भाई नो, वाटर गन नहीं यार, वाटर गन से अपने को डर लगता है भाई। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, बैग से पहले यूज करते हैं पोर्शन को, बहुत सही टैकल यूज कर रहे, कोई नहीं अभी इसको हम लोग स्क्रैच देते हैं पहले, अपने पास कोई नया मूव फिलहाल है नहीं। ग्राउल यूज कर रहा है, चलो यार कुछ अपने पास एलएस टाइप पर पकड़ने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग, देखते हैं आता है कि नहीं अपने पास। ये बैग पोकेबॉल, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा मेरे भाई। यस यार पकड़ लिया हम लोगों ने मुटकीप को, वाओ दैट्स रियली ऑसम। मुडकिप 258 नंबर पे है, इसका नाम मड फिश पोकेमोन हाइट वन, ये सब ना देखो यार, वन ऑनलाइन इट कैन, अच्छा इसको हटाओ यार, गिवन निक नेम नहीं यार, निक नेम नहीं देना मुझे मुडकिप को। वाओ यार यार चेक करते हमने पोकेमोन मुडकिप को यार, वाओ भाई एक नया पोकेमोन हमें मिल गया, वाटर टाइप पोकेमोन, एबिलिटीज की है टॉरेंट तुम लोगों को पता है यार, और माइल्ड नेचर, इसका मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं, माइल्ड नेचर है। ग्रीन स्वाम्प में पकड़ा गया है, मतलब ग्रीन दलदल में। इसके बाद मूव क्या है, टैकल है, ग्राउल है, मड स्लैप है, वाटर गन है, अच्छे मूव इसके पास है यहाँ फिलहाल, तो सीख रखे हैं इतने अच्छे मूव। अब चलते हैं इस बंदे से बात करते हैं। सो मी एक्सीलेंट वर्क, द पोर्टल टू योर यूनिवर्स इज वर्किंग अगेन, बट यू हैव टू हरी बिफोर इट शट अगेन। तो भाई अपना पोर्टल फिर से काम करने लगा, यानी कि जिससे हम लोग यहाँ पे आए थे वहीं से हम लोग वापस भी जा सकते हैं वहीं पे। आई एम सॉरी बट देयर नो टाइम टू एक्सप्लेन, गेट टू द पोर्टल। भाई बहुत झूठा बंदा है भाई ये, एक्सप्लेन नहीं करेगा, कह रहा है अभी यहाँ से फिलहाल तुम जाओ। कोई नहीं यार चलते हैं बाहर हम लोग, वापस वहीं आ गए यार। भाई ये पोर्टल क्या है, हम लोग क्यों इधर से उधर चले जाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता यार यहाँ से। जरा इन्वेंटर से बात करते हैं हम लोग। दीज कॉलम्स वेट नियरली 5 tons, 5 ton के हैं भाई ये। आई वंडर नाउ हाउ एंशियंट पीपल्स मैनेज टू मूव देम यार। सही बात कर रहे यार, पुराने जमाने के लोग, समय के लोग कैसे यहाँ से यार इसे कर बनाए हुए होंगे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो भाई अब हम लोग निकलने वाले हैं बहुत जल्दी यहाँ से, इन सबको हराने के बाद। एक पकवान है जो कि ककूना, ककून में से वैसे यार मैंने सुना चिजरी निकलती है, लेकिन यहाँ पे भाई बीटल निकलते हैं। चलो मेरे ख्याल जिसका नाम इन लोगों ने रखा है, क्या नाम रखा है इसका, मेटापॉड, उसका नाम ककून रखना चाहिए था यार, ज़्यादा अच्छा रहता। बट कोई नहीं, पोकेमोन कंपनी जाने, क्योंकि उसमें से यार अच्छी खासी बटरफ्लाई। अब देखो यहाँ पे भी लता बिखरी हुई है, तुमको देख रहे हो यार, अगर निकलने की कोशिश की है तो भाई तुम समझ लो तुम्हारे पोकेमोन गए पॉइजनेट और तुम निकल लोगे, सीधे जाओगे पोकेमोन सेंटर में यहाँ से। सो एकेंस, अपने पास फिलहाल 2 पोकेमोन हैं ही फाइनली, और यार अपना चिमचार भी लग रहा है लेवल 14 में पहुँचने ही वाला है बहुत आसानी से, अगर किसी से हमें लड़ना पड़ गया तो। वेल हाँ बंदा है तो ये। आई एम सर्चिंग फॉर एंशियंट आर्टिफैक्ट्स दैट माइट हैव बिलोंग्ड टू द पीपल हु लिव्ड इन द स्वाम्प लॉन्ग एगो। तो भाई ये यहाँ पर भाई सर्च कर रहा है कि यहाँ की कुछ खास चीज़ें इस स्वाम्प की। ये है श्रूमिश, मस्त पोकेमोन है ये, इसका विकसित रूप साथ ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है, मुझे सही से याद नहीं, मैंने इसको पकड़ा है एक बार। आई हैव एन अमेजिंग बग टाइप,
अमेजिंग है भाई, तुझे भी लड़ लेंगे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मैंने खेल लिया, तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी यहीं से रखना चाहिए मुझे। मेरे अपना चिमचार भी इवॉल्व होने के चक्कर में है। एम्बर, सो ये गया फेंट, चिमचार गया, चिमचार फेंट नहीं गया यार, वो गया फेंट। नेक्स्ट कौन है? मैट अपॉर, नहीं चेंज नहीं करना यार, क्योंकि अभी अपना मडकिप को मैंने थोड़ा सा यार ज़्यादा, तुम समझ सकते हो यार, ज़्यादा भी उसको मैंने ट्रेन नहीं किया हुआ है, और फिलहाल में उसको हराया भी था मैंने, तो इसीलिए वो ज़्यादा लड़ नहीं सकता अभी। तो फिलहाल अपनी एच पी आर 14 पे पहुँच गई, और अपना पोकेमॉन तुमको पता ही क्या होने वाला है, इवॉल्व होने वाला यार, और क्या होने वाला है यहाँ पे। सो बटरफ्री यार, नाम लेते ही हाजिर हो जाते हैं। मैंने मटापॉट का भी बात की, बटरफ्री की बात की, और ये सब तुरंत आ भी गए अपने सामने। तो फाइनली ये हो चुका है बर्न। एक और एम्बर, और ये गया फेंट। हम लोगों ने हारा दिया जहाँ अमेजिंग बग टाइप पोकेमॉन जो भी था वो बंदा। सो लेवल 15 अपना चमचार पहुँच गया लेवल 15, और नया मूव भी सीख रहा है जिसका नाम फ्यूरी स्वाइप्स, दे देते हैं इसको यार। एक मूव डिलीट करना है, हम लोग डिलीट करते हैं। टाउन को डिलीट करूँ, लियर को हटा दो, लियर यार बेकार मूव है, मतलब यार गेम के लिए तो बेकार है, एनिमी के लिए तो अच्छा मूव हो सकता है, सो अच्छी बात है यार। अगला कौन है? बग कैचर निक, इट्स इनक्रेडिबल, हम लोग इनक्रेडिबल हैं भाई। और तुमको पता ही था क्या होने वाला है, चिमचार इवॉल्व होने वाला है भाई, ये देखो। ओहो हो 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 हो, ये बन चुका है इन्फर्नो। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर चिमचार इवॉल्व इनटू, अरे यार इन्फर्नो नहीं, मॉनफर्नो है यार, सॉरी यार अगर मैंने गलत नाम लिया है, मॉनफर्नो सही नाम है ये, मॉनफर्नो। चेक करते हैं अपने मॉनफर्नो को यार, स्विच। अच्छा पोकेमॉन मॉनफर्नो, सीरियस नेचर वही है, लेकिन ये फायर और फाइटिंग टाइप दो टाइप में हो गया यार ये अब ये। और इसके पास मूव तो वही है यार, फ्यूरी स्वाइप्स, नया मूव सीखा है इसने, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है। तो इस जंगल से हम लोग निकलते हैं आगे, ये है ओशियन व्यू पार्क, हम लोग सही जगह आ रहे हैं यार। तो यार आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं यार, तुम लोगों को हो सकता है वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो ना यार, प्लीज़ लाइक करो यार, तुमको तुम लोगों के सपोर्ट से मैं इसको गेम को और आगे तक लाऊंगा, जितना मुझे लाना चाहिए उतना पूरी कोशिश करूंगा मैं इस गेम को और आगे लाने की। तो हम लोग यहीं रुकते हैं यार आज के लिए, कल हम लोग जाएंगे ओशियन व्यू पार्क में। तब तक के लिए तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप लोग नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि उससे हम लोग की दोस्ती और पक्की हो जाएगी। और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर करना यार, कमेंट में हम लोग बात कर सकते हैं, तुम लोग कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा और हम लोग चैटिंग करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड नाइट, और अच्छे से सो जाना यार, मुझे भी नींद आ रही है फिलहाल, बहुत देर से खेल रहा हूँ यार। तो गेम को यहीं सेव करते हैं, अपने तीन पोकेडेक्स में 3 पोकेमॉन रजिस्टर हुए हैं, बैजेस तो 0 अपने पास हैं। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।